नमस्कार साथियों, आज इसलिए ये बाइट देनी पड़ रही है कि कुछ लोग जानबूझकर पार्टी के कार्यकर्ताओं को और जनता को गुमराह करना चाहते हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया है और पशुपति कुमार पारस जो हैं उन्हीं का पार्टी पर पूरी तरीके से हक हो गया है। देखिए, ये सर्वथा गलत है। हाई कोर्ट में जो फैसला दिया है, हाई कोर्ट में हम लोग गए थे स्पीकर के फैसले के खिलाफ, जिसमें संसदीय दल का नेता पशुपति पारस को बना दिया था। तो उस फैसले में जो लड़ाई लड़ी जाएगी कानूनी, वो कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी, अपील डाली जाएगी और सुप्रीम कोर्ट तक जाया जाएगा। लेकिन सवाल ये है, क्या पार्टी पशुपति पारस के पास चली गई है? जवाब है कि बिल्कुल नहीं। पार्टी के असली हकदार चिराग पासवान हैं, क्योंकि चिराग पासवान का इलेक्शन एज ए नेशनल प्रेसिडेंट 2019 में हुआ था। पशुपति पारस प्रपोजर थे, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी जिंदा थे, पूरी कार्यकारिणी बैठी थी। उस कार्यकारिणी में संविधान के जो धाराएं हैं उसको कंप्लाई करके उनको नेशनल प्रेसिडेंट चुना गया था, और जिसकी सूचना बाकायदा इलेक्शन कमीशन को दी गई। और उसके बाद आप देखिए, बिहार के चुनाव हुए तो उसमें फॉर्म ए और बी चिराग पासवान ने साइन किए थे। उसके बाद अभी हाल में जो चुनाव हुए उसमें भी ए और बी फॉर्म चिराग पासवान में बहैसियत नेशनल प्रेसिडेंट साइन किए थे। और जो लास्ट रिक्वायरमेंट होती है इलेक्शन कमीशन ने जब पूछा कि आप अपनी पदाधिकारियों को लिस्ट भेजिए, तो वो भी इलेक्शन कमीशन को भेजी गई थी। देखिए, इलेक्शन कमीशन में सभी तरीके के रिकॉर्ड पर चिराग पासवान राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और आगे भी रहेंगे। और अगर किसी को एतराज है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान नहीं है, तो उनको उनका चैलेंज करना पड़ेगा। वो कहाँ जाएंगे, कहाँ चैलेंज करेंगे, ये सलाह हम तो नहीं देंगे। लेकिन इस तरह से गुमराह करने का भी हक किसी को नहीं है कि आप देश की जनता को कहें कि पार्टी हमारी है, हम राजनीतिक उत्तराधिकारी हैं। देखिए, राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन है ये तो सब जानती है, और जनता जिसके साथ खड़ी है वही लोकतंत्र में जीतता आखिर में। जहाँ तक कानूनी पेचीदगियों का सवाल है, इलेक्शन कमीशन में जो कि पार्टी का नाम देती है, पार्टी का सिंबल देती है, वो लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान जी हैं, और उनका चुनाव 2024 तक वैलिड है, क्योंकि 5 साल के लिए चुना गया था। अब इन्होंने क्या किया कि 13 तारीख को स्पीकर से मिले रात को और एप्लीकेशन दी कि हम 5 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने चुनाव अपना तय किया है कि हम नेता होंगे, तो उन्होंने स्पीकर साहब ने आमंत्रण में उसको अलाउ कर दिया और उनको लीडर बना दिया। तो लीडर बनना एक अलग चीज़ है और पार्टी पे अध्यक्ष बनना एक अलग चीज़ है। पार्टी अलग है और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो अलग है, लेकिन वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमेशा गवर्न होते हैं और कंट्रोल होते हैं पार्टी के संविधान से। अपने आप वो कोई डिसीजन पार्लियामेंट पे भी नहीं ले सकते। ये एक लंबी बहस है, ये कानूनी बहस है, इसको लड़ा जाएगा और हम लोग लड़ रहे हैं और जीतेंगे भी, सुप्रीम कोर्ट तक जीतेंगे, बाकायदा जीतेंगे। लेकिन ये क्लियर करना ज़रूरी है कि आज भी इलेक्शन कमीशन के हिसाब से लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान हैं, और इसको किसी ने इलेक्शन कमीशन में आज तक चुनौती नहीं दी है। हाँ, हमने एक काम जरूर किया कि 5 सदस्य का डेलीगेशन मिला इलेक्शन कमीशन से और तीनों इलेक्शन कमीशन बैठे, और हमने कहा कि देखो, इस तरह की हमको लग रहा है मीडिया में कि कोई इस तरह से क्लेम करना चाहता है, तो अगर कोई आए या आपके पास कोई दरख्वास्त दे तो कृपया हमको सुनिए, हमको बुलाइए और तभी कोई ऑर्डर आप पास करें। तो आज तक तो इलेक्शन कमीशन से हमसे कुछ पूछा नहीं, ना हमको किसी बारे में इतला दी। और इलेक्शन कमीशन एक क्वेसी जुडिशियल अथॉरिटी होती है जो कानून के और संविधान के हिसाब से काम करती है, और जब इस तरह का कोई क्लेम उनके पास आएगा तो पहले वो हमको बुलाएंगे और हम अपना पक्ष रख के उनको सारे सबूत के साथ सारी चीज़ें दिखा देंगे जो कि ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन के पास है। मुझे ये कहने में कोई हिचक नहीं है कि पशुपति कुमार पारस जी को पूरी जानकारी नहीं है, ये कानूनी पहलू है, ये रिकॉर्ड की बातें हैं,
कृपया उचित सलाह लें और उचित बयान दें। आप उनको हल्के बयान नहीं देना चाहिए या तथ्यों से विरोधी बयान नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो कैबिनेट मिनिस्टर भी बन चुके हैं और पार्टी जो बनाई रामविलास पासवान जी ने बनाई, तो कार्यकर्ताओं को गुमराह करने का काम करेंगे। एक तरफ तो कहते हो हम पार्टी बचाएंगे और दूसरी तरफ पार्टी तोड़ने की बात करते हो, तो ये दोनों सर्वथा आपस में विरोधी हैं, परस्पर विरोधी हैं। इसलिए इस तरह का भ्रम न फैलाएं। आप मंत्री बन गए हैं, अपने मंत्री बने रहिए, आपको मुबारकबाद, और चिराग पासवान जी ने भी मुबारकबाद आपको दी है। लेकिन पार्टी के गतिविधियों में दखलंदाजी ना करें और न पार्टी को दो ग्रुप में बांटने की कोशिश करें। अगर 3-4-5 लोग आपके पास गए हैं तो आपको सलामत है, आपको आप उनके साथ रहिए, क्या करना है क्या नहीं करना वो आप जानें। लेकिन अभी भी पार्टी का 99% स्ट्रक्चर वो चिराग पासवान के साथ है, और जिसकी बकायदा उन लोगों ने एफिडेविट भी दिए हैं, नेशनल कार्यकारिणी जो हुई थी उसमें रिकॉर्डिंग भी हुई है, जूम ऐप पे जो मीटिंग हुई है उसकी भी रिकॉर्डिंग है। समय आने पर उचित जो भी अथॉरिटी होगी, इलेक्शन कमीशन होगी, कोर्ट होगा, सुप्रीम कोर्ट होगा, वहाँ सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स रखे जाएंगे। और पूरे यकीन और विश्वास के साथ कि लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान हैं और रहेंगे, और लोक जनशक्ति पार्टी को एक युवा नेतृत्व ही चलाएगा, क्योंकि जनता का रिस्पॉन्स और जनता का जो प्यार और आशीर्वाद उनको मिला है वो सभी लोगों ने देखा, और मीडिया भी इस बात का एहसास है कि स्वतः जनता अपने आप निकल कर आ रही है और वो ये कह रही है कि चिराग के साथ धोखा हुआ है, चिराग को पार्टी की तोड़ने की कोशिश हुई है। इसके पीछे जो जो शक्तियां हैं उनको भी उजागर किया जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद।